नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। भरतपुर में इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इस कड़ाके की सर्दी का प्रभाव पशु पक्षियों व्यक्तियों के साथ साथ पौधों पर भी पड़ रहा है। भरतपुर की केंद्रीय पौधशाला में कड़ाके की सर्दी के चलते विभिन्न किस्मों के हजारों पौधे मुरझा गए, जिससे नर्सरी वीरान नजर आने लगी है। वन विभाग भरतपुर के द्वारा केंद्रीय पौधशाला में विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए गए थे, जिनका आगामी जुलाई में वितरण किया जाना था, लेकिन कड़ाके की सर्दी के चलते कदम्ब, पारस, पीपल, आंवला, गुलाब, अमरूद, सीताफल, नीम, शीशम के हजारों पेड़ पौधे मुरझा गए। वन विभाग की नर्सरी प्रभारी भावना शर्मा ने बताया कि भरतपुर की नर्सरी में विभिन्न किस्मों के पौधे तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ 6 माह में तैयार किए जाते हैं। कुछ पौधों को तैयार करने में साल भर का समय लग जाता है, लेकिन इस बार पड़ी कड़ाके की सर्दी ने हजारों पौधों को खराब कर दिया। उन्होंने बताया कि पौधों को बचाने के लिए कई उपाय किए गए, अलाव जलाए गए, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी से पौधे खराब हो गए, जिससे वन विभाग को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। नर्सरी से शहर के लोगों को काफी कम कीमत में फलदार, फूलदार सहित अन्य पौधे काफी किफायती दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जुलाई माह में बरसात के मौसम में सैकड़ों की संख्या में लोग पौधों को नर्सरी से लेकर जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग नर्सरी का रुख करते हैं, उनके लिए पौधे तैयार करना चुनौती रहेगा। भरतपुर जिला ब्यूरो चीफ लोकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आंवला, पारस, पीपल और कदम और शीशम, इनमें ज्यादा नीम, इनमें ज्यादा प्रकोप पड़ा है और सारे के सारे जो पाले से हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है? वैसे ज्यादातर तो अलाव लगाए जाते हैं और पानी दिया जाता है इनके अंदर, परिती है पानी, और गंधक जो है, जो लिक्विड गंधक है, उसका भी छिड़काव किया जाता है। तो हम लोगों ने ये सभी ट्राई किए हैं, पर पाले से बस नहीं चला इनका। कितने पौधे होंगे अपने क्वांटिटी में, कितना नुकसान हुआ होगा? करीब क्वांटिटी में लगभग 8-10 हज़ार के आसपास पेड़ों का हमारे का नुकसान हो गया है। काफ़ी नुकसान होगा, 8-10 हज़ार में? काफ़ी कुछ, 80,000-1 लाख का नुकसान होगा। अंदाजा इतना ही। थैंक यू। अपना नाम बता दें। मेरा नाम भावना शर्मा।